ओम शांति। पाक ऑडियो बुक का नाम है लेकिन, पार्ट 3। किसको वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जून 1972। अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज मास्टर रचयिता की है। सिर्फ एक दो की बात नहीं, पूरे विश्व की आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी, परेशान है, भिखारी है। बेहद रचना अर्थात सारे विश्व को कल्याणकारी बन सदाकाल के लिए सुखी और शांत बनाना है, तो बेहद रचयिता का अटेंशन होना चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जून 1972। बाप समान बनना है ना, तो सदा ये चेक करो कि ज्यादा से ज्यादा तो क्या, लेकिन सदा ही समय और संकल्प विश्व कल्याण प्रति लगाते हैं। ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाले क्यों बनेंगे? विश्व महाराजन। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जून 1972। लायक बनना दूसरी बात है, लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है वह नहीं, यहाँ ही पा लिया है वह मुक्ति धाम में, मुक्ति और स्वर्ग जीवन मुक्ति लेना है। भविष्य में तो मिलना है, लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिली है। जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1972। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना, ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जनवरी 1988। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 सितंबर 1988। समान बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में। समान अर्थात समर्थ बनना है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1988। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू, इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है
18 जनवरी 1988। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जनवरी 1988। ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है, इसमें निश्चय बुद्धि पक्के हैं। लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए दो प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। वे कौन से? एक तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 अप्रैल 1982। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। स्नेही है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं। मास्टर सब शक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते हैं। ये है त्यागी आत्माएं। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 अप्रैल 1972। माइक द्वारा आवाज बुलंद करने का तो सोचा है, लेकिन जब विश्व में आवाज बुलंद हो जाएगा और प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाएगा, तो पर्दे के अंदर प्रत्यक्ष होने वाली मूर्तियां भी संपन्न चाहिए ना। कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न हिलाने के लिए आ जाए, लेकिन जिसके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिवान है, उनके सामने ये विघ्न क्या है? अव्यक्तवाणी की डेट है 20 जून 1973। ऐसे ब्राह्मण विश्व के जिन भी आत्माओं को देखते हैं, उनको सिर्फ एक कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध और लगाव की भावना से नहीं, लेकिन सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से। 5 तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए प्रकृति के वश नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 जून 1973। जैसे कोई डॉक्टर रोगी को बचाने जावे लेकिन स्वयं रोगी बन जाए, कर्तव्य है प्रकृति को परिवर्तन करने का और उसके बजाय प्रकृति के वश हो जाए, तो क्या उनको ब्राह्मण कहेंगे? अव्यक्तवाणी की डेट है 13 जून 1973। किसी भी प्रकार के संस्कार वाला हो, लेकिन बाप दादा के समीप होने के कारण, परखने की पावर होने के कारण, चुंबक के समान कितनी भी दूर वाली आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाले हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 जून 1973। अभी ये थोड़ा सा समय, फिर भी ड्रामानुसार पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, लेकिन
फाइनल पेपर होने से पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। और व्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1973। सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रखकर कोई आए और उसे संभालने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की जरूरत है, यदि वह उसे नहीं दे सकते तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणी कह सकते हैं? अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जून 1974। सेकेंड डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे, इसलिए लॉयर्स है लेकिन लॉफुल नहीं है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जून 1974। अब ऐसा अनुभव तो करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है, नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जून 1974। स्नेही सहयोगी तो यथाशक्ति बनने ही हैं, लेकिन शक्तिशाली आत्मा जो विघ्नों का, पुराने संस्कारों का सामना कर महावीर बन जाए, इस पर और विशेष अटेंशन। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, ऐसे वारिस क्वालिटी को बढ़ाओ। अविद्वानी की डेट है 3 अप्रैल 1982। ऐसे परम पवित्र, सर्वप्रति रहम दिल, सर्वप्रति मास्टर वारदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर, सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबर वार, ये सब संस्कार समाये हुए हैं, लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। अभी इस इष्ट देवात्मा के संस्कार इमर्ज करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जनवरी 1982। ऐसे ही रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुण मूरत। सिर्फ रंग हो और रूप ना हो तो भी आकर्षण नहीं होगी, और रंग रूप हो लेकिन खुशबू ना हो तो भी आकर्षित नहीं करेंगे। कहा जाता है ये नकली है, ये असली है। सिर्फ रंग रूप वाली पुष्प डेकोरेशन के लिए ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन खुशबूदार पुष्प मानव अपने समीप रखेंगे। ये ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी अच्छी तरह से देखती है, माया को भी वे अच्छे लगते हैं, इसलिए माया जीत बनना है, क्योंकि
निमित्त आत्माएं होना अव्यक्तवाणी की डेट है 12 मार्च 1982। समय अनुसार देखो प्रगति अपने कार्य में कितनी तीव्र है, कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, सुरती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 नवंबर 1999। अगला टॉपिक है सेवाधारी का कर्तव्य सदैव सेवा में रहना, लेकिन सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले, वे कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 जुलाई 1971। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान पर सेवा है, कहाँ भी रहें कहाँ भी जावें, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जून 1971। सेवाधारी सदैव नम्रचित निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग, अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 जुलाई 1971। सर्विस के प्लान तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन सभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष अटेंशन देंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1980। सेवा करना ये एक गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्व गुण के सागर रहना ये विशेषता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जून 1970। अपने राज्य में प्रकृति आप सबकी दासी होगी, वैसे भी दासियां बहुत होंगी, और प्रकृति के पांचों ही तत्व सदा आज्ञाकारी सेवाधारी होंगे, लेकिन अपना राज्य स्थापन करने के लिए पुराने को ही नया बनाना है, पुरानी में सेवाधारी बनना ही पड़ता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 मई 1983। अगला टॉपिक है वाणी का बल कनरस तक होता है, लेकिन अनेक संग छोड़ना एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और
स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जून 1971। बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल खेल रहे हैं, ऐसा समझने से अथक रहेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 1979। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजयी। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, बंधन की रीति से नहीं, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंस पर खेलो तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 1989। सुनाया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हुई, फिर बड़ों की जिम्मेदारी हो जाती है, इसलिए सुनाना जरूरी है, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन पर चलना भी जरूरी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 फरवरी 1980। बाप की सब बच्चों को सदा काल के लिए ऑफर है कि सब बच्चे सदा तख्त नशीन रहो, लेकिन ऑटोमेटिक करण की गति के चक्र प्रमाण सदा काल वही बैठ सकता है जो सदा फॉलो फादर करने वाले हैं। किसी भी कर्म में बहुत बिजी हो, मन बुद्धि कर्म के संबंध में लगी हुई है, बंधन में नहीं संबंध में, लेकिन डायरेक्शन मिले फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप लगा सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 मार्च 1975। अकेले सोते हो ना तभी स्वप्न आते हैं, अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते, लेकिन फरमान को नहीं मानते हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 मार्च 1995। फॉरेन का रिवाज है हाथ से हाथ जरूर मिलाएंगे, बाप दादा हाथ से हाथ कैसे मिलाते, स्थूल हाथ तो 1 सेकंड के लिए मिलाते हैं, लेकिन बाप दादा सारा ही युग हाथ मिलाते, अर्थात एक ही श्रेष्ठ मत रूपी हाथ से हाथ में हाथ मिलाए अंत में भी साथ में ले जाते हैं। श्रीमत का हाथ सदा आप सबके साथ है। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1983। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते हैं, कैसे को समाप्त कर जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 फरवरी 1976। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं जिन्होंने बाप को पाया है,
न सिर्फ जाना, लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मई 1970। चलते चलते बोलने की शक्ति भी कम होती जाएगी, लेकिन जो वाणी कर्म करती है उससे कई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जून 1970। श्रीमत तो है विश्व कल्याणकारी बनो, वह तो ठीक, लेकिन श्रीमत के साथ साथ अपने मन के उमंग से जो आगे बढ़ते हैं वे सदा सहज आगे बढ़ते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जनवरी 1985। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 दिसंबर 1995। लौ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित आत्माएं हैं वह भी लौ उठाते नहीं हैं, लेकिन उनको लौ रिवाइज कराना पड़ता है। लौ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित हैं तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1997। कोई कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक ना होने के कारण सेटिंग भी नहीं होती। फिटिंग क्या और सेटिंग क्या, ये तो आप जानते हो ना। ईश्वरी मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, ये ईश्वरी मर्यादाएं हैं फिटिंग। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 मई 1974। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं और दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती जाएंगी, लेकिन ईश्वरीय मर्यादों के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को थूल सजाएं भी भोगनी पड़े। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1972। कंप्लेन भी यही करते हैं कि चाहते नहीं हैं, लेकिन संस्कार बहुत काल के होने कारण फिर हो जाता, तो
इसी इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म को पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा हो जाता। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 अप्रैल 1972। एक दो के सहयोग से भी अपनी लक को बना सकते हो, लेकिन एक दो का सहयोग कब मिलेगा? जब केयरफुल और चीयरफुल होंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 अप्रैल 1972। आप लोगों की संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, जैसे सीता को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा दी और कोई लकीर नहीं थी, लेकिन ये मर्यादा की लकीर है। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो फकीर बन जाते हैं। अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उससे भिखारी फकीर बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 अप्रैल 1972। एवर रेडी का अर्थ क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमत् प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, क्या उसमें स्थित हो सकते हो? ऑर्डर पर एवर रेडी हो, ऑर्डर अर्थात श्रीमत्। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 मई 1973। बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे, जहां रावण का अंश आ नहीं सकता। खाओ, पियो, मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ फिर कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी। हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जनवरी 1982। अगला टॉपिक है ईश्वरीय सर्व सिर्फ शरीर से नहीं, लेकिन कई यह भी समझते हैं कि हम नसीक नहीं हैं, इसलिए ही प्रख्यात नहीं है। लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो, लेकिन बाप दादा के नसीक होगा। जो बाप के नसीक है वो सबके नसीक है। तो सच्चा बनना,
भविष्यवाणी की डेट है 28 सितंबर 1969। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वाद समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 फरवरी 1996। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जानना। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 फरवरी 1996। पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है, तो स्व सहज होता है पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 नवंबर 1995। कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त, देह को देख भी रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 12 जून 1970। हरेक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार सच्चे दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जून 1970। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना ये प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 जून 1970। वर्तमान प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का समय है। अभी अभी सेवा का फल स्वयं भी खुशी और शक्ति का अनुभव करेंगे, लेकिन सच्ची दिल की सेवा हो, सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 जून 1970। मन के तैयार हैं, लेकिन नंबर वार पिरोने के लिए लास्ट सेकंड भी अभी रहा हुआ है। मन के फिक्स हो गए हैं, जगह फिक्स नहीं हुई है, जगह में लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 जनवरी 1978। चीफ जस्टिस की जजमेंट सदा यथार्थ होती है। जस्टिस के ऊपर चीफ जस्टिस
हाँ या ना कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के जजमेंट की बहुत वैल्यू होती है। भविष्यवाणी की डेट है 2 जनवरी 1978। बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार होशियार बना रहे हैं, समझा? अव्यक्तवाणी की डेट है 12 अप्रैल 1984। भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। भाग्यवान तो सभी हैं, लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलाना व प्राप्त हुए अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलना व प्राप्त हुए अधिकार को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 अप्रैल 1984। आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देख रहे हैं। भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी ये अंतर हो जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 अप्रैल 1984। ये वंडरफुल विश्वविद्यालय है, देखने में घर भी है, लेकिन बाप ही सत शिक्षक है। घर भी है और विद्यालय भी है, इसलिए कई लोग समझ नहीं सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 अप्रैल 1984। ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने कारण चमकने वाले सितारे सर्व सितारों की रूहानी रोशनी मिलने कारण चमकने वाले सितारे तो बन गए, लेकिन हर एक प्रकार के सितारों की विशेषता की झलक भिन्न भिन्न है। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 अप्रैल 1984। आजकल किसी को भल हाइनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता महानता दिखाई नहीं देगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 मार्च 1986। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 मार्च 1986। कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं।
लेकिन उनके पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 मार्च 1986। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 फरवरी 1986। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 जनवरी 1986। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। नंबर वार हैं, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 नवंबर 1997। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सोओ, अकेले नहीं सोओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 जनवरी 1998। चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व निगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 मार्च 1999। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं और लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई कोई होता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 मई 1974। ऐसे काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी है, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है जिसका रॉयल रूप स्नेह है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। स्नेह राइट है लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जनवरी 1982। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए, अर्थात
ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 1982। अगला टॉपिक है सारे दिन में कितना भी पुरुषार्थ करें लेकिन। चाहे कैसे भी हो, अलबेली पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन बाप के बने पूजनीय और गायन योग्य बने, क्योंकि पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गए। पारस की वैल्यू जरूर होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1979। ऐसे नहीं कि संगम युगी पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है, लेकिन संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और हजार कदम प्रारब्ध में पाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जनवरी 1980। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन सिर्फ कार्ड तो यहाँ से ही भरने हैं ना। ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है, लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी, जो इतनी सुंदर ड्रेसेस और सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मैली ड्रेस पहन लेते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1980। जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे तख्त नशीन बनते हैं, और कोई भी राज्य परिवार में सब बच्चे तख्त नशीन नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु के बच्चे सब अधिकारी हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 दिसंबर 1983। धरत परिये धर्म ना छोड़िए, सिर जावे लेकिन धर्म ना जाए, तो सुख शांति के वर्षे के अधिकारी कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 दिसंबर 1983। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न है। हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों की संपन्न पेट ही देखते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 1979। पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामा अनुसार ये सब चल रहा है। ये गायन कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल वृक्ष के आप सब पहले पत्ते हो। संगम युगी आप सब गोल्डन एजेड पत्ते
जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो। इन चतन्ने पत्ते को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 दिसंबर 1979। अभी अभी किया है और अभी अभी रिपीट करना है, ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल आने वाले हो ना, भविष्य के आधार पर सोच रहे हो। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष को छोड़ भविष्य के इंतजार में नहीं रहना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 अप्रैल 1970। सरकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1999। गोपी वल्लभ गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन होली डे है। संगम पर होली और सतयुग में होगी होली डे। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 मार्च 1981। संगम युग तो है मोहब्बत का युग, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के समाने का युग है। नाम मेहनत कहते हो, लेकिन मेहनत है नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 मार्च 1981। सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सहज योगी व निरंतर योगी की श्रेष्ठ स्टेज पर सदा स्थित रहने के पुरुषार्थ में सभी का लक्ष्य सहज योगी बनने का है, लेकिन अपने कमजोरियों के कारण कभी सहज अनुभव करते कब मुश्किल, कमजोरी कहकर मुश्किल बना लेते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 जून 1970। सबसे बड़े से बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जिस साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 1992। कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियां आप पे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 1992। ओम
शांति